ही हम लोग न्यायवादी हैं, गर्व से कहेंगे हम लोग रघुराजवादी हैं। राजा भैया जिंदाबाद है, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। चली गई, क्या करेंगे हमारे देश में हम लोग? हवा के चले गए। जितने घर को देखने वालों, उसका छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। अनुरोध है और आग्रह है कि सम्मानजनक तरीके से संस्कार युक्त चुनाव लड़े। असभ्यपना की भाषा हमको भी आती है, हम लोकतंत्र में जब सभ्य तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारा जो है सहयोग करें। गुलशन ने देखिए, हम आपको बता रहे हैं, गुलशन पिछले 5 साल नहीं 10 साल से यहाँ चेयरमैन है, और जब चेयरमैन बने थे तो माननीय राजा भैया के आशीर्वाद से बने थे। गुलशन भाई काम तो सही है, अब आना तो चाहिए। क्या नाम है? हमारा नाम सतिन। उनसे तो आने जाने से कोई प्रभाव नहीं है। पहली चीज तो उनके साथ जितने आदमी आए थे सब बाहरी थे, नगर थे, कोई लोग नहीं। राजा भैया एक ब्रांड है हम सभी के लिए। प्रतापगढ़ में कुंडा विधानसभा के लिए राजा भैया ब्रांड है, और उनको वो जिसको भी प्रत्याशी बनाएंगे, मैंने आपको बताया पुनः फिर से कि वही जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको बता दें, वर्तमान में जो है वो गुलशन यादव की पत्नी सीमा यादव जो है वो नगर पंचायत की चेयरपर्सन है। बड़ी भीड़ नहीं, वो हवा थी। हाँ, भीड़ नहीं थी। राजा भैया अन्याय नहीं, हम लोग न्याय के वादी हैं, गर्व से कहेंगे हम लोग रघुराजवादी। राजा भैया जिंदाबाद है, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। उनके कार्यकर्ता तो नहीं जन सकते? ऐसा कुछ नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ता हूँ, बगल में कोचिंग करता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि राजा भैया से अच्छा विकास कोई नहीं कर सकता। कोई इफेक्ट विशेष नहीं पड़ेगा, पहले भी वो परिवार के थे, उनकी पार्टी का अपना मसला है, वो बीच बीच में प्रगतिवादी हो जाते हैं, प्रगतिशील हो जाते हैं, तो अपना परिवार की उनकी वापसी थी। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं कुंडा के तिरौली चौराहे पे, ये मेन चौराहा यही है। आपको बता दें, यहाँ पे कुछ दिन पहले शिवपाल सिंह यादव आए और राजनीति गर्म करके चले गए हैं। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो इस बार बदलाव होगा, कुछ लोग कह रहे हैं नगर पंचायत कुंडा में। आपको बता दें, इस बार फिर से जनसत्ता दल और खास करके समाजवादी पार्टी की लड़ाई इस बार भी है। विधानसभा में आपने देखा जो कुछ था, इस बार जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से गुलशन यादव जो है वो दावा ठोकने वाले हैं, जबकि जनसत्ता की तरफ से प्रत्याशी अभी घोषित नहीं किए गए हैं। लेकिन अब शिवपाल के आने के बाद क्या वाकई में माहौल बदलेगा? चाचा भतीजे एक हो चुके हैं, कुंडा में इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? हमारे साथ कुंडा के निवासी हैं, युवा हैं, राजनीतिक जानकार के लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर शिवपाल के आने से कुंडा में क्या कुछ बदलाव होगा और इस बार जो है वो क्या देखते नहीं है। जी, क्या लग रहा है भैया, इस बार जो है वो शिवपाल आए 2 दिन पहले, ये कहा गया कि बड़ी भारी भीड़ थी, क्या लग रहा है उनके आने से कोई प्रभाव पड़ेगा? नगर के संबंध में तो हमें यही कहना है कि उनके आने से कोई इफेक्ट विशेष नहीं पड़ेगा। पहले भी वो परिवार के थे, उनकी पार्टी का अपना मसला है, वो बीच बीच में प्रगतिवादी हो जाते हैं, प्रगतिशील हो जाते हैं, तो अपना परिवार की उनकी वापसी थी, अपना एक व्यक्तिगत कार्यक्रम था उनका, वैसा कोई राजनीतिक माहौल तो नहीं दिखा। क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा कुंडा नगर पंचायत में? बिल्कुल परिवर्तन होगा। परिवर्तन क्या होगा, यहाँ का जनमानस राजा भैया को मानता है, उन्हें जानता है, और उनके प्रत्याशी को हमेशा से सहयोग किया है। पिछले भी जो प्रत्याशी हैं, अब भले पार्टी बदल गई हो, लेकिन कभी तो वो राजा भैया के ही प्रत्याशी कहे गए थे, तो आज भी यही स्थिति है। पब्लिक में क्रेज है राजा भैया का, जिसको रहेगा वही जी, ऐसा लगता है कि राजा भैया का जिसके ऊपर सरपरस्ती होगी वही जीतेगा। जनसत्ता दल की अभी तक कैंडिडेट नहीं है? अभी चुनाव घोषित होने दीजिए तो प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। बहुत से लोग हैं, बहुत से समाज सेवी लोग हैं, बहुत से एक जो जिनका एक राजनीतिक नाम है वो भी हैं, सभी अपने अपने शेयर हिस्से में लगे हैं। बाकी राजा भैया का निर्णय होगा, पार्टी का निर्णय होगा, जो निर्णय होगा उसी पर होगा। जी, क्या लग रहा है भैया, शिवपाल जी आए थे, कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, राजा भैया जीते हैं और जीतेंगे हमेशा कुंडा से, उनके अलावा कोई नहीं जीत सकता यहाँ से, कोई नहीं उखाड़ पाएगा। बदलाव होगा, होगा निश्चित है। हाँ भैया जी, आएगा पूरी तरह से आएगा और पूर्ण बहुमत से आएगा। कुछ लोग कह रहे हैं आप भी गए थे शिवपाल की रैली? नहीं, हमने नहीं गया था। हम कहे जाएंगे, हम अपना कार्यालय देखेंगे, हम उनकी रैली में जाएंगे भैया। नहीं, हमसे कोई मतलब नहीं उनके रैली से, वो बाहरी सब भीड़ थी भैया, यहाँ कहाँ थी, कुंडा टाउन का कोई आदमी दिखाई नहीं हमको वहाँ पे। जो वीडियो भी चला है उसमें कोई नहीं दिखाया हमको बाहर कुंडा का आदमी। जी जी, बाहर की भीड़ जो है यहाँ कर ताकत दिखाई जा रही। जी, आप युवा हैं, क्या लग रहा है कि 5 सालों में इस बार जो कार्य हुए हैं बदलाव होगा और जो भीड़ आई थी शिवपाल यादव जो आए थे कुछ प्रभाव डाल पाएंगे? उनसे तो आने जाने से कोई प्रभाव नहीं है। पहली चीज़ तो वो उनके साथ जितने आदमी आए थे सब बाहरी थे, नगर थे, कोई लोग नहीं थे। दूसरी चीज, पिछले 5 वर्ष उनको महाराज जी का ही आशीर्वाद प्राप्त था जो नगर का चुनाव वो लड़े थे, और इस बार भी महाराज जी का पूरा परिवार है कुंडा का, सब महाराज जी के दिशा निर्देश वही होता है। क्या लग रहा है इस बार जो है वो जो ये दावा कर रहे हैं कि हमने काम किया विकास के, उसके दबे जीतेंगे? नहीं, हवा हवा ही है। जी जी, बिल्कुल सत्य है, जनसत्ता का कैंडिडेट ही जीतेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो उनके आने से क्या मतलब है? इस बार यहाँ भी प्रभाव पड़ेगा? नहीं, वो प्रभाव एक हो जाने से क्या होता है,
क्यों भैया, एक हो जाने से कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं है, चुनाव जनसत्ता दल का कैंडिडेट ही जीतेगा और दूसरे के परिवार में इनको मजा देखने में बहुत मजा आता है। तो इनके लिए दो लाइन है कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। अनुरोध है और आग्रह है कि सम्मानजनक तरीके से और संस्कार युक्त चुनाव लड़े। असभ्यपना की भाषा हमको भी आती है, हम लोकतंत्र में जब सभ्य तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारा जो है सहयोग करें, और हमको हर स्तर से हर स्तर की भाषा आती है। भाषा गर्मियां बनाए, हाँ भाषा की गर्मियां बना के रखें, जिस प्रकार हमारे सरकार माननीय राजा भैया बना के रखते हैं। बिल्कुल, क्या लग रहा है कि बिना उनके हिसाब में कोई कैंडिडेट नहीं? यहाँ का नियम ही है, जब से कुंडा टाउन एरिया का गठन हुआ है, बिना भैया के आशीर्वाद के आज तक कोई चेयरमैन नहीं बना, और ये भी इसके पहले चेयरमैन भैया के आशीर्वाद से बने हैं, और अब की देखेंगे आप जलवा। शिवपाल आए थे, लोग कह रहे हैं कि बड़ी भारी भीड़ थी, कहाँ से शिवपाल आए थे? भैया ने अभी बताया कि वो बीच बीच में जो है प्रगतिवादी हो जाते हैं, तो अब हो सकता है कि टाउन एरिया के चुनाव के पहले प्रगतिवादी हो जाएं, तो कोई प्रभाव नहीं उनका, बाहरी लोगों को इकट्ठा करके भीड़ दिखाने का कोई मतलब नहीं। चुनाव के बाद अब हो सकता है कोई लोकसभा क्षेत्र देखें, वहां से अपनी जमानत जब्त करवाएं। कोई प्रभाव नहीं, बदलाव तय है, खोए हुए सम्मान और खोए हुए विकास की लड़ाई है। चुनाव तो हम जीत चुके हैं, जो सम्मान खोया है कुंडा नगर पंचायत की जनता ने, जो विकास खोया है उसको वापस लाने की लड़ाई है, और चुनाव हम जीते हैं। तो ये युवाओं का कहना है कि भाई यहाँ पे जो है वो जिस तरीके से अलग राह बनाई गई उसके विरोध में लोग यहाँ इस बार वोटिंग करेंगे, क्या कह रहे हैं भैया? शिवपाल जी आए थे, उन्होंने कहा इस बार हम बदलाव कर देंगे कुंडा में। अखिलेश भैया आए थे कुंडा में कुंडी लगाने, शिवपाल आए, वो क्या करके गए? कुछ नहीं होने वाला, हवा आती है उड़ के चली जाती है, हवा आई उड़ के चली गई, क्या करेंगे हमारे देश में? हम लोग हाँ हवा थे, आए और चले गए, बड़ी भीड़ नहीं, वो हवा थी, हाँ कुंडक भीड़ नहीं थी, राजा भैया जिंदाबाद। अन्याय नहीं, हम लोग न्याय के वादी हैं, गर्व से कहेंगे हम लोग रघुराजवादी हैं। राजा भैया जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। आप उनके कार्यकर्ता तो नहीं जनसत्ता? ऐसा कुछ नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ता हूँ, बगल में कोचिंग करता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि राजा भैया से अच्छा विकास कोई नहीं कर सकता है, ना किया है ना करेगा कभी, ये आप जान लीजिए। आज जो भी कुंडा में विकास हुआ राजा भैया की देन है, और राजा भैया का यह कार्य है जो हम लोग इसको इसका आनंद उठा रहे हैं। हम युवाओं के लिए खेल के मैदान से लेकर पढ़ाई से विद्यालय से लेकर अस्पताल तक की सुविधा ने हमें माननीय राजा भैया जी द्वारा मिला है। बदलाव होगा और बदलाव ऐसे होता ही रहेगा, माननीय जी का आशीर्वाद मेरी कुंडा जनता मानी जी का आशीर्वाद देती रहेगी, और हम लोग मानी जी के दिशा निर्देश पे काम करते रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, भीड़ तो होती रहती है, भीड़ से कोई मतलब नहीं है, ये पैसे की दी हुई भीड़ है, पैसे से बुलाई हुई भीड़ है, और हम लोग चुनाव के साथ दिल भी जीत रहे हैं मानी जी रघुराज प्रताप सिंह। अच्छा जी, दिल भी जीत रहे हैं भैया, क्या लग रहा है कि दिल वाकई में जीत रहे हैं या फिर जो भीड़ आई उससे कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए व्यक्तिगत जहाँ तक हमारी जानकारी में नगर पंचायत कुंडा की बात है, तो कुंडा की जनता ने हमेशा राजा भैया के सम्मान के लिए जिसको राजा भैया ने प्रत्याशी बनाया है, वो छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, ठीक है, तो इस बार परिवर्तन होगा, क्योंकि पिछली बार की राजनीति अलग थी, ठीक है, सभी लोग एक साथ थे, लेकिन इस बार जो है कुंडा की जनता ने पूरी तरीके से ये मन बना लिया है, आदरणीय राजा भैया जी जिसको भी प्रत्याशी बना के भेजते हैं, छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, पूरी तन्मयता और ईमानदारी से हमारे जितने भी सम्मानित कार्यकर्ता हैं उनको भारी से भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे, और कुंडा का सम्मान बचाने का काम करेंगे, क्योंकि राजा भैया जी हमेशा से, मैं पूरे ही बड़ी दावे के साथ कहता हूँ कि 1993 से भूखे नंगे अनाथ गरीबों का कहीं उत्पीड़न हुआ हो कोई बताइए, 1993 से लेकर के लगातार गरीब जनता के बीच, आम जनमानस के बीच जिस तरीके से एक विधायक को होना चाहिए, जनसुलभ होना चाहिए, जनता के बीच सुख दुख में लगे रहना चाहिए, आदरणीय राजा भैया जी बराबर रख देते हैं, उनके सम्मानित सम्मित कार्यकर्ता, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, BDC जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी लोग घर घर जाकर जनता के साथ उनके सुख दुख को बांटने का काम करते हैं। आदरणीय राजा फिर मिलेगा, इसका फायदा 100% मिलेगा, और कुंडा की जनता को जिस तरीके से लोगों ने जाति और धर्म बांटने का काम किया, रेसिपी परोसने का काम किया है, कुंडा की जनता पूरी तरीके से इसको समझ गई, उनके विचार को समझ गई है, इसलिए आदरणीय राजा भैया जी के ऊपर केवल विश्वास है, और आदरणीय जाति कुछ लोग कह रहे हैं कि जाति चलेगी कि नहीं, जाति यहां पर नहीं चलेगी। देखिए यहां पर क्या है कि व्यक्तिगत राजा भैया एक ब्रांड है हम सभी के लिए, प्रतापगढ़ में कुंडा विधानसभा के लिए राजा भैया एक ब्रांड है, और उनको वो जिसको भी प्रत्याशी बनाएंगे, मैंने आपको बताया पुनः फिर से कि वही जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको बता दें वर्तमान में जो है वो गुलशन यादव की पत्नी सीमा यादव जो है वो नगर पंचायत की चेयरपर्सन है, अब देखने की बात होती है, वो 2017 में जो है वो कहा जाता है कि राजा भैया के साथ थे, तब वो जो है वो आशीर्वाद से उनके बने थे, लेकिन इस बार जो है वो 2022 का विधानसभा चुनाव राजा भैया के खिलाफ गुलशन यादव लड़े थे, तो इस वजह से इस बार जो है वो काफ़ी कार्यकर्ता एक्टिव हैं कि इस बार बदलाव तय हैं, क्या लग रहा है चाचा, जाति चलेगी या फिर से जनसत्ता? जनसत्ता क्या वही काम के ऊपर है, जिसको
जो पसंद आ रहा है वही बना रहा है उसको। तो क्या हुआ, 5 चेयरपर्सन आप बढ़िया काम किए थे गुलशन भाई? काम तो सही है ही, काम बढ़िया किया जी। तो क्या लग रहा है इस बार फिर से वही आएंगे? अब आना तो चाहिए। अच्छा अच्छा जी, क्या नाम है? हमारा नाम सत्येंद्र कुमार मौर्य। तो इस बार तय है यानी कि फिर से गुलशन की वापसी? अब सर हम तो यहाँ के वोटर नहीं है। कहाँ के हैं? हमारा तो गांव में घर नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है ठीक है। अरे भी नया नया नारा दिया, तो नारों का कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई नहीं पड़ेगा। हाँ, कुंडा के अंदर कोई नहीं पड़ेगा, कुंडा के अंदर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुंडा में कुंडी लगाने वाला भी कोई नहीं है, वो आए तो कुंडी लगाने के लिए है, सिर्फ आए आए हवा के झोंके में उड़ गए, हवा है। हाँ, कोई कौन नहीं है, आएंगे चले जाएंगे, कोई कौन नहीं। राजा भैया जिंदाबाद। ये देखिए युवाओं की भीड़ है, युवा जी आप क्या कहेंगे दादा, ये बार जो ना केकल आवता है? राजा भैया जिंदाबाद, राजा भैया जिंदाबाद। का है? अरे यहाँ ढेर काम करते हैं, सब मिल के वो देखते हैं। देखा था सब? हाँ, सबको अच्छी तरह से, कोई तरह की तकलीफ हो नहीं पाती। कोई तकलीफ ना है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं, सारी समस्या दूर है। हाँ, सारी समस्या सब दूर है। दूर है, दूर है जी। तो ये बार फिर जो ना जनसत्ता पर मोहर लगी? हाँ, जनसत्ता हमेशा लगी। नाम बबुल्ले पटेल। बबुल्ले पटेल, चले ठीक है दादा, इस बार फिर मोहर लगी जनसत्ता पे। कुछ और लोग हैं जी, पांडे जी, क्या लग रहा है भैया इस बार जो है? शिवपाल जी है, बड़ा माहौल, उन्होंने कहा कि इस बार भारी भीड़ रही, बदलाव होगा फिर से जो रहते हैं, क्या देखते हैं आप? इतनी बड़ी जानकारी तो है नहीं हम लोगों को कि शिवपाल आए थे, इतना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है यहाँ पे। अब आप बता रहे हैं तो जानकारी मिल रही है शिवपाल आए थे, और पता चल रहा था गुजर रहे थे, तो जैसे एक औपचारिक होता है कि कोई बड़ा नेता गुजरता रहता है तो लोग उसको रास्ते में रोक लेते हैं। कोई शिवपाल जी का यहाँ कार्यक्रम नहीं था जो हम लोगों की जानकारी में है, रास्ते से गुजर रहे थे, तो चूंकि चुनावी माहौल है, टिकट के दावेदार होंगे उनकी पार्टी में कई लोग, तो अपनी दावेदारी अपनी प्रत्याशिता दिखाने के लिए आने से कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव, चाहे शिवपाल नहीं, अखिलेश नहीं, चाहे जो आ जाए, और भी पार्टियाँ मायावती आ जाए, सब लोग आए हैं, गए हैं, जब जिसका समय रहा है सब लोग यहाँ आए गए हैं, किसी के आने से कोई प्रभाव नहीं है। और विधानसभा चुनाव में भी वो दिख गया है, कुंडी लगाने वाले यहाँ से भाग गए, जनता ने उनको नकार दिया, और उसके बाद नगर पंचायत का चुनाव है, नगर पंचायत का चुनाव है, इसमें जो भी आज तक चेयरमैन बना है वो माननीय राजा भैया की फ़ोटो लगा के बना है, माननीय राजा भैया के बैनर तले बना है, माननीय राजा भैया का आशीर्वाद लेके बना है, और दोबारा फिर से यहाँ कुंडा की जनता माननीय राजा भैया जिसको अपना आशीर्वाद देंगे, जनसत्ता पार्टी का जो उम्मीदवार होगा चाहे वो जो हो वही जीत करके भारी मतों से वो विजयी होगा, और माननीय राजा भैया का ही चेयरमैन बनेगा, दूसरे की यहाँ दाल गलने वाली नहीं है, जमानत जब्त होगी उनकी, कोई प्रभाव नहीं पड़े, कोई प्रभाव नहीं पड़े, चाहे जो नेता आए जाएं उसे यहाँ कोई जनमानस पे प्रभाव नहीं पड़ने पा। गुलशन ने देखिए, हम आपको बता रहे हैं, गुलशन पिछले 5 साल नहीं 10 साल से यहाँ चेयरमैन है, और जब चेयरमैन बने थे तो माननीय राजा भैया के आशीर्वाद से बने थे, जब वो चेयरमैन बने थे तो माननीय राजा भैया के आशीर्वाद से बने थे, उस समय माननीय राजा भैया मंत्री थे, तो माननीय राजा भैया के मंत्री रहते हुए और जो भी विकास कार्य हुआ है वो भी माननीय राजा भैया की देन है, कहीं अगर कोई इंटरलॉकिंग बनी है, नाली बनी है, खरिंजा बना है, और विधायक निधि से राजा भैया ने यहाँ पर ट्राली दी, ट्रांसफार्मर जो ट्राली होती है, 2 ट्राली 3 ट्राली माननीय राजा भैया ने दी है, अभी भी लगातार यहाँ पे हर मोहल्ले में जहाँ विद्युत की लाइन नहीं बिछी हुई है, विधायक निधि से पैसा जा करके माननीय राजा भैया के प्रयास से हर मोहल्ले में खंभा गढ़ रहा है, लाइन बिछ रही है, वो सिंचाई विभाग के माध्यम से राजा भैया के प्रयास से नहर के किनारे वाली पूरी सड़क बन रही है, जो विकास कार्य पिछले 5 वर्ष से ठप हो गया 2018 के बाद जब इन्होंने गद्दारी की, माननीय राजा भैया का साथ छोड़ करके ये चले गए, जब हमारी पार्टी बनी और ये सपा में रह गए, माननीय राजा भैया ने इनको समाजवादी पार्टी में पद दिलवाया था और ये वहीं पे रह गए अलोलुपता में और बड़ी राजनीति के चक्कर में कि हमको कुछ बड़ा मिल जाएगा, तो यहाँ पे विकास कार्य ठप हो गया। यहीं आपके पीछे अत्ता नगर मोहल्ला है, जब बरसात होती है तो ये बरसात में पूरा डूब जाता है, जलमग्न हो जाता है, हम लोग जहाँ खड़े हैं यहाँ पे पूरा जलमग्न रहता है विकास में, नाली की सफाई नहीं होती, फागिंग नहीं होती, सरकारी जमीन है तालाब की उसको बेच डाल रहे हैं, इतना भ्रष्टाचार किए हैं 5 साल में, जनता यहाँ एकदम परेशान है, वसूली में, अड्डा वसूली में, हर जगह हर तरीके से भ्रष्टाचार, कोई जाके अपने चेयरमैन से मिल नहीं सकता है, वर्तमान चेयरमैन से अपनी बात नहीं रखता है, लोगों के बीच में दहशत है कि जाएंगे तो हो सकता है हमको बेइज्जत कर दें, मतलब ऐसी छवि नहीं है, माफिया है अपने आप को बताते हैं, लेकिन जनता के बीच में वो डर है, आम जनमानस के बीच में उनका, लोग उनसे अपनी बात नहीं रख सकते, अपनी बात कह नहीं सकते, अगर मान लीजिए यहाँ कोई चेयरमैन बनता है, पद पाता है, तो उसके जिम्मेदार माननीय राजा भैया हैं, मान लीजिए हमारा चेयरमैन नहीं सुनेगा जनसत्ता पार्टी का, तो हम बेटी कोठी जाएंगे, माननीय राजा भैया के पास जाएंगे, गोपाल भैया के पास जाएंगे, विनोद विधायक जी के पास जाएंगे, अन्य पार्टी के जो सदस्य हैं।